नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी, पहला पेश ने चुनवीआं खबरां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अतवाद की चुनौती काफ़ी गंभीर है, पर भारत अतवादी संगठनों और उस नूं पनाह देने वालों खिलाफ़ कार्रवाई करन च समर्थ है। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि सरकार अर्थचारे की सुस्ती नूं खत्म करन दे लई यूपीए सरकार की तरह फजूल खर्ची नहीं करेगी। जम्मू खेतर दे सरहदी जिले पुंछ च सुरक्षा दस्तियां ने मंगना चतवादियां दे लुकन टिकाणियां नूं नष्ट कीता। विश्व कैंसर दिहाड़े मौके देश अते दुनिया भर च जागरूकता समागम करवाए जा रहे ने। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप दे सेमीफाइनल दे विच मौजूदा चैंपियन भारत दा टाकरा अज रिवायती विरोधी पाकिस्तान दे नाल होवेगा। हुण खबरां विस्थार नाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अतवादी चुनौती बहुत गंभीर है, पर भारत ने साबित कर दिता है कि वह अतवादी संगठनों और उस नूं हल्लाशेरी ते पनाह देने वालों खिलाफ़ कारगर कार्रवाई करन च समर्थ है। नवी दिल्ली विच तीजे रक्षा अधिकारी सम्मेलन नूं संबोधन करदिआं राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान का हवाला दिंदिआं कहा है कि इस गुआंढी मुल्क ने अतवादी टिकाणिआं ते अतवादियों नूं हल्लाशेरी दे के भारत दे सबर की प्रीख्या लई सी। एक मजबूत देश वजों भारत ने साबित कर दिता है कि वह अतवादी संगठनों और उस नूं सुरक्षित लुकन टिकाणे मुहैया करवाउण वालिआं दे मनसूबे नाकाम करन च समर्थ है। उन्हां भरोसा दिवाया कि भारत भविख विच वी अजिहा करदा रहेगा। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सरकार आर्थिक सुस्ती खत्म करन दे लई पिछली यूपीए सरकार वलों कीती गई फजूल खर्ची वर्गियां गलतियां नहीं करेगी। नवी दिल्ली दे विच भारतीय वनज ते सनअत महासंघ यानी फिक्की वलों करवाए गए समागम दौरान खजाना मंत्री ने कहा कि सरकार पैसे की वरतों जनतक जायदादों की ढुकवी वरतों और संपर्क वधाउण वर्गे कामां ते कर रही है, जिस दे नाल बुनियादी ढांचे तो वांझे जिलिआं विचाले संचार आवाजाई कायम करन दे यतन कीते जा रहे ने। उन्हां कहा कि सरकार सेहत खेतर दे लई रखियां गईआं रकमां दे नाल जिला पद्धर ते बुनियादी सेहत ढांचे नूं मजबूत बनाउण दे लई उपराले कर रही है। खजाना मंत्री ने कहा कि अजिहे जिलिआं दे विच हस्पताल बनाए जा रहे ने जिथे हुण तक मियारी सेहत संस्थावां नहीं सन। सीतारमन ने कहा है कि पैसे की सुचजी वरतों के नाल बुनियादी ढांचे के विकास वल वधेरे ध्यान दिता जा रहा है तां जो नौजवानों नूं रुजगार के नवे अते वधेरे मौके मिल सकन। उन्हें यह भी कहा है कि करदाता चार्टर शुरू करन दा प्रस्ताव सरकार अते टैक्स देन वालियां दे विच विश्वास नूं वधाउणा है। केंद्रीय खजाना राज मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा नूं भरोसा दवाया है कि केंद्र सरकार देशों विदेशों च लजाए गए गैर कानूनी धन समेत हर तरह के काले धन खिलाफ लड़ाई के लिए वचनबद्ध है और इस संबंधी कई कदम चुके गए हैं। संसद मैंबर प्रताप मिश्रा ते अधिकारी दीपक वालों पूछे गए वखो वखरे सवालों के लिखती जवाब दे विच मंत्री ने कहा है कि काले धन खिलाफ लड़ाई नूं होर प्रभावी बनाउण अते सरकारी तंत्र समय समय से इसकी समीक्षा करता है। उन्हें भी दसिया कि तलाशी सर्वेक्षण पूछगिछ आमदन के मुलांकण कर वसूली और जुर्मानिया समेत सीधे कर बारे कानून तहत टैक्स चोरी और काले धन खिलाफ ढुकवी कार्रवाई की जाती है। इस तो इलावा लोड़ पैण ते अजिहे मामलों च फौजदारी अदालतों के शिकायत भी दर्ज करवाईया जांदियां ने। बताना चाहूंगा कि अब तक कुल मिलाकर 13,548 मिलियन डॉलर्स का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एडीबी के माध्यम से चल रहे हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में 5,933 मिलियन डॉलर है, एनर्जी के क्षेत्र में 3,378 मिलियन डॉलर है और अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में लगभग 2,277 मिलियन डॉलर है। अनुराग ने सदन नूं दस्या कि काला धन ना दसियां गईयां विदेशी जायदादां अते आमदन ते टैक्स लगाउण बारे 215 विच बणिआ कानून पिछले साल 1 जुलाई तो अमल विच आ गया सी। इस तहत पिछले साल 31 दिसंबर तक 12,600 करोड़ रुपए तो वध दीआं विदेशी जायदादां अते आमदनां बारे पता लगाए। अजिहे मामलिआं च 422 नोटिस भी जारी कीते गए ने। मंत्री ने दस्या कि HSBC बैंक दे गुप्त विदेशी बैंक खात्यां चों हुण तक 8,460 करोड़ रुपए तो वध दी ना दसी गई आमदन का पता लग्या है, जिस 1,290 करोड़ रुपए तो वध दा टैक्स अते जुर्माना लगाया गया है। अनुराग ठाकुर ने लोकसभा नूं दस्या कि देश दा अर्थचारा मंदहाली चों नहीं गुजर रहा। प्रश्नकाल दौरान संसद मैंबरां
कुशलेंद्र कुमार अते विनायक रोहत वालों पूछे गए सवालों के लिखती जवाब दे विच मंत्री ने दसिया कि कौमी आंकड़ा दफ्तर अनुसार साल 2014-2019 दरमियान कुल घरेलू पैदावार की औसत वाधा दर 7.5% के आसपास रही है जिहड़ी जी 20 देशों विचों सब तो वध है। ठाकुर ने भी कहा है कि कौमांतरी मुद्रा कोष के अनुमान अनुसार भारत विश्व के तेजी के नाल विकसित हो रहे अर्थचारिया विचों एक है। साल 2020-21 दौरान कुल घरेलू पैदावार की दर 5.8% तक पहुंचने का अनुमान है जबकि 2021-22 दौरान 6.5% की विकास दर के नाल चीन नूं पिछे छड्डन का अनुमान है। जम्मू खेतर के सरहदी जिले पुंछ की हवेली तहसील च सुरक्षा दस्तिया ने मंगनार च पैंदे अतवादियां दे इक लुकन टिकाने नूं नष्ट कर दिता है। खुफिया जानकारियां मिलन तो बाद 39 राष्ट्रीय राइफल अते विशेष कार्रवाई समूह वल्लों मंगनार दे उपरले इलाके दे विच तलाशी मुहिम चलाई गई तां जंगल दे विच उहनां नूं अतवादियां दे इक लुकन टिकाने दा पता लगा। सुरखियां दस्तिया ने इस लुकन टिकाने नूं नष्ट करके उत्थों वड्डी मात्रा च हथियार अते गोली सिक्का बरामद कीता है। अज विश्व कैंसर दिहाड़ा है। कैंसर के बारे च जागरूकता पैदा करन दे लई हर साल 4 फरवरी नूं ए दिहाड़ा मनाया जांदा है। इस दा टीचा लोकां नूं कैंसर दी रोकथाम पहचान ते इलाज दे लई प्रेरित करना है। सब तो पहला विश्व कैंसर दिहाड़ा 1993 च जिनीवा दे विच मनाया गया सी। कैंसर इक अजिही खतरनाक अते गंभीर बीमारी है जिस दे नाल सब तो वध लोकां दी मौत होई है। यह बीमारी दुनिया भर विच फैल चुकी है। हर साल तकरीबन 70 लाख लोग कैंसर नाल अपनी जान गुवा रहे ने। कैंसर होण दा सब तो वड्डा कारण प्रदूषण नूं मन्निया जांदा है। 35% कैंसर खाण पीण ते रहिण सहिण दे कारणां करके हुंदा है ते कुछ दवाइयां हारमोनस एक्सरे अते अल्ट्रावायलट किरणां वी कैंसर दा कारण बन सकदियां ने ते मनुखी शरीर दे किसी भी हिस्से च हो सकदा है। देश विच कोरोना वायरस फैलन नूं रोकण दे लई भारत सरकार वल्लों टास्क फोर्स स्थापित कीता गया है। इस टास्क फोर्स दे विच केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, विदेश मामलिया बारे मंत्री एस जे शंकर, गृह राज मंत्री जी किशन रेड्डी अते नागरिक हवाबाजी मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल सन। सेहत मंत्रालय के अधिकारियों ने मंत्रियों के समूह को कोरोना वायरस के टाकरे के लिए चुके गए कदमों बारे जानकारी दी। इसे दौरान केरल दे विच कोरोना वायरस का तीजा पॉजिटिव केस सामने आया। सेहत मंत्रालय अनुसार कोरोना वायरस के इस नवे मरीज की हालत स्थिर है अते इस दी लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस मरीज ने चीन की कई बार यात्रा की थी। इस तो पहला केरल दे विच जड़े 2 व्यक्ति कोरोना वायरस बीमारी के लिए पॉजिटिव पाए गए सन उन्हां दी सेहत विच सुधार आया है। सूबे के सारे जिलों के इलाज के लिए पूरे साजो समान के नाल लैस आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए गए ने अते कंट्रोल रूम 24 घंटे चल रहे ने। उधर हांगकांग विच भी कोरोना वायरस दे नाल पहली मौत होण दी पुष्टि होई है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 दी सेमीफाइनल दे विच अज मौजूदा चैंपियन भारत दा मुकाबला अपने रिवायती विरोधी पाकिस्तान दे नाल होवेगा। दक्षण अफ्रीका दे शहर पोचे फस्टरूम दे विच अज दोपहर 1:30 बजे शुरू होवेगा। भारत ने पिछली वार दे उपजेतू आस्ट्रेलिया नूं 74 दौड़ां दे फर्क दे नाल हरा के टूर्नामेंट दे आखिरी 4 च थां हासिल कीती है। दूजे पासे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान नूं 6 विकटां दे नाल हरा के सेमीफाइनल दे विच दाखला हासिल कीता है। भारत ग्रुप ए विच 3 मैच जित के चोटी ते रहा ते दूजे पासे पाकिस्तान दी टीम ने ग्रुप सी विच 3 विचों 2 मैच जित के अंक सूची च दूजा स्थान हासिल कीता सी। उंज वेख्या जावे तां भारत दी अंडर 19 क्रिकेट टीम दा पलड़ा भारी है ते इस टीम ने पिछले साल सितंबर महीने पाकिस्तान नूं एशिया कप दे विच हराया सी। भारत हुण तक अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप दा 4 वारी चैंपियन रह चुक्या है। 2018 दे विच होए विश्व कप दे सैमीफाइनल दौरान भारत ने पाकिस्तान नूं 203 दौड़ां दे वड्डे फर्क दे नाल हराया। बुलेटिन के अखीर विचों या खबरां एक बार फिर तो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अतवादी चुनौती काफी गंभीर है पर भारत अतवादी संगठना अते उसनू पनाह देने वालियां खिलाफ कार्रवाई करन च समर्थ है। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि सरकार अर्थचारे की सुस्ती नूं खत्म करन दे लई यूपीए सरकार दी तरह फजूल खर्ची नहीं करेगी। जम्मू खेतर दे सरहदी जिले पुंछ च सुरक्षा दस्तिया ने मंगनार दे विच अतवादियां दे लुकन टिकाने नूं नष्ट कीता। विश्व कैंसर दिहाड़े मौके देश ते दुनिया भर च जागरूकता समागम करवाए जा रहे ने।
अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सैमीफाइनल विच मौजूदा चैंपियन भारत का टाकरा आज रिवायती विरोधी पाकिस्तान के नाल होगा। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होता है। नमस्कार।